मैं पता कभी कभी क्या सोचता हूँ, बहन की शादी हो जाएगी तो मेरा मन कैसे लगा करेगा। भाई सलाम है यार तुम्हारे जुगाड़ को यार, मस्त। और देखो मैंने अपनी बहन को हैंडल पकड़ा रखा है और मैं चला रहा हूँ, छोड़िए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज सुबह के 7 बजे उठ गया हूँ मैं अभी, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करना है मेरे को। एक कल मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया तो एक दो लोग पूछ रहे थे कमेंट में भी, बहुत से लोग बोल रहे थे। मेरी ससुराल से ही फ़ोन आया था कि आज ब्लॉग नहीं डाला, रोज ब्लॉग डाल रहा था ना, कल ब्लॉग नहीं डाला। तो जो दोस्त का बर्थडे वाला ब्लॉग है ना 41 मिनट का, उसको एडिट करते करते उसमें इतना टाइम लग गया ना भाई, मतलब मैंने काम से भी छुट्टी कर ली आधा और टाइम बहुत लग गया, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया कल का, उसके लिए सॉरी। और मेरे को हो गई है खांसी थोड़ी थोड़ी सी, वो बताता हूँ क्यों। मैं कल रात को ना, मैं मतलब कल ना नहा के नहीं गया था काम पे, तो मैं कल रात को आया घर पे, तो ये मोहतरमा बोल रही कि नहाओ तभी खाना मिलेगा। और भाई जबरदस्ती 10:30 बजे इन्होंने नहला दिया, और अब देखो शकल भी नहीं दिखा रही। हेलो ओए, बीमार कर दो ना तुमने, मैं देखो तो इधर ये मजदूरी बाद में कर लियो ना, बोतल भरन वाली जबरदस्ती निलाए के बीमार कर दो ना भाई। इन्होंने बोला रात को 10 बजे नहाओ तभी खाना मिलेगा, और फिर मेरे को नहाना पड़ा क्योंकि खाना तो खाना ही था, और हो गई खांसी जिसका इंतज़ार था। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर फिर मम्मी अब ये गर्म पानी करके ले आई हैं, अब यही पियेंगे, क्या पता इससे कुछ हो। और मम्मी को भी गुड मॉर्निंग। बीमार कर दो तुम्हारी बहू ने हमें, धमकाई तो रहे, हमने खांसी करवा दी थी। और आज है काजल का पेपर, आज यानी आज 20 तारीख है, तो आज है काजल का पेपर। तो काजल का पेपर दिलाने में तो बोल रहा था मम्मी तुम चली जाओ, तो मम्मी जा ही नहीं रही, फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। पर ये होता है ना यार, जाने से मतलब मेरा यार काम, मतलब काम मारा जाएगा, ठीक है, जो मतलब छुट्टी हो जाएगी मेरी, और मैं चाहता नहीं छुट्टी हो मेरी, मतलब मैं भाई काम के प्रति ऐसे ही हूँ, मैं चाहता ही छुट्टी हो, पर छुट्टी हो जाएगी। और गर्मी में साइकिल से जाना है मेरे को, कितने किलोमीटर दूर, वो है लगभग 16-17 किलोमीटर जाना है, 16-17 आना है साइकिल से। तो ये और एक ऐसी गर्मी में साइकिल से जाना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सुबह सुबह गुलामी स्टार्ट, नौकरानी। देखो पापा, हम कुछ काम की बोल देना तो ना करिए, और गौरव को काम फट से, मैं कितनी भी काम की बोल दूँ भाई नहीं होगा। गौरव एक बार बोल दे, अगर एक बार इसके कान में पड़ गया कि हाँ गौरव ने कुछ काम बोला है, तो वो काम होगा, चाहे उसके लिए नींद आराम हो चाहे कुछ भी हो। हाँ स्कूल जाना हो ना, 10 मिनट बचेंगे और गौरव बोल दे प्रेस करना है, तो प्रेस हो ही फिर स्कूल जाया जाएगा, और मैं बोल दूँ तो भाई काम नहीं होता। और इसका पेपर है, ये पढ़ाई कर रही है, और हमारी वाइफ, हमारी बीवी जी बना रही हैं खाना, और पता नहीं आजकल हमसे कम बोल रही हैं। मैंने देखा है और लोग ब्लॉगर लोगों की वाइफें इतने हंस के बोलती हैं ब्लॉगों में हाय हेलो, और एक हमारी वाइफ है देखो है भाई, मतलब मानते हैं आपस का लड़ाई झगड़ा है। ब्लॉग तो ब्लॉग में तो बोलना चाहिए ना, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारी मम्मी जी, तुम्हारे मामा जी सब देखते हैं तुम्हें, उनको भी गुस्सा दिखाओगी क्या। ना मेरी टी शर्ट पहन ली इतनी बड़ी है कितनी बड़ी है, अब देखो ऊपर कर रही है उसको। चलो भाई सब कुछ हो गया, ब्लॉग एडिट हो गया, डाल दिया सब कुछ। और ब्लॉग जब यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ एकदम फ्री हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत मतलब मस्त फील होता है। और अब आ गई अपने पास चाय, और हमारी वाइफ फ़ोन छीनने का कोशिश कर रही थी अपना, पर नहीं छीन पाई, असफल हो गई। हेलो, क्या आप पेपर दिलवाने जाएंगी? कल को पेपर हम दिलाएंगे। चलो ये देखो, सीरियस पढ़ाई, रट्टा मारा जा रहा है, रट्टा। कुछ समझ में आया भाई? दो दिन खाली पड़े रहे, 2 दिन नहीं पढ़ाई करी, जब पेपर आज है तो आज पढ़ाई, ये कैसी पढ़ाई है। हेलो कोमा, हेलो क्या हुआ कोमल, तेरे गुस्सा लोगों को अच्छा लगता है, गुस्सा करिए एक बार, हैं गुस्सा कर, गुस्सा अभी गुस्सा नहीं है,
ये दिन ब दिन मेरी बहन क्यूट होती जा रही है। देखो आज स्कूल नहीं गई है, इसकी फ्रेंड अन्नू ने मैसेज कर दिया इसको आज कि बहन मैं आज स्कूल नहीं आ रही। इसने व्हाट्सअप चेक किया, उसका मैसेज चेक किया और ये भी स्कूल नहीं गई। ऐसी करती है, पेट घर में पेट दर्द का बहाना बता देती है और स्कूल में अन्नू नहीं आती इसलिए ये भी नहीं जाती। अब गुस्सा करना, जब गुस्सा करवाना है तब गुस्सा नहीं कर रही। चला चलेंगे, बोरेड हो गया आ रही है कोमल, मजदूर कोमल आजा। और भाई आज है एकदम खतरनाक वाली धूप, भाई आंखों पे पड़ रही है। भाई आज कैसे जाऊंगा आज बहन को पेपर दिलाने? सोच रहा हूँ बस से ही चला जाऊँ क्या। बस में ना थोड़ा सा ये होता है, जैसे मैं पेपर दिलाने गया, दो घंटे जाके पहले बस स्टैंड पे खड़ा हो गया, बस आई या ना आई या जाम में फंस गई तो लेट हो गए, तो इसलिए मैं बस से नहीं जा रहा। वरना मैं बस से जा सकता हूँ और फिर पेपर छूट जाएगा, तो साइकिल से ही जाऊँगा। और मम्मी करवा रही है मजदूरी। बहन की उम्र नहीं हुई, बहन की पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है और मजदूरी कराई जा रही है। ये गुस्सा होने वाली है दोस्तों, ये गुस्सा होने वाली है। देखो यही वो कोमल की सहेली है जो कोमल को मैसेज कर देती है कि आज मैं स्कूल नहीं आ रही। हैं? नहीं सच में नहीं, जो मजाक कर रहा हूँ चालू नहीं है, पर ऐसे मत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना। देखो भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि बस से चलते हैं आराम से एकदम एसी में, पर ये चाहती है भाई कि मेरा मतलब मेरी हालत खराब हो, मेरे को पसीना निकले मेरी। और देखो ऊपर से भाई 10 किलो मेकअप की बोतल लिया, सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन। ये धूप में ना सनस्क्रीन वनस्क्रीन सब चली जाएगी। ऐसे तैयार हो गए जैसे मतलब एरोप्लेन आने वाला है लेने के लिए, मेकअप ऐसा का ये ऐसा रहेगा। चलो जी दोस्तों नहा लेते हैं, फोन चार्ज कर लेते हैं फिर चलते हैं। ये तो मानेगी नहीं, मेरे को बोल रही है साइकिल से ले चलो, मेरे को लेट नहीं होना। भाई साइकिल से ना ऐसी धूप में ना हालत खराब हो जाएगी मेरी, वो आप ब्लॉग में देखना। नहा लेता हूँ ना है? तो दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे थे यहाँ पे कमरा क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया है ऐसे खुल के नहा सकता हूँ। पता बहुत मजा आता है भाई यहाँ पे नहाते में, हल्की हल्की धूप, आए हाय ठंडा ठंडा पानी। और आपको ना पुनीत सुपर स्टार की वो हरकत करके दिखा रहे हैं, मेरा ही मन कर रहा है मैं भी इसकी तरह करूँ। आओ सालो, आओ सालो, आओ। बुरा मत मानना भाई, ऐसे अपना पुनीत सुपर स्टार करता है, फेवरेट है अपना, उसी की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ, आपको गाली वाली नहीं दे रहा। एक और बार आओ सालो, आओ आओ सालो। तो दोस्तों मस्त नहा धो के हो गया हूँ तैयार और ये भी तैयार हो गई और मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान हो गया अपने ऊपर। बोल रहा है कि तू अपनी बहन को साइकिल पे ले जा रहा है तो हम भी छुप जाते हैं, मतलब सूरज बाबा छुप गए और अब चलते हैं। एक घंटा बचा है खाली, देख लो एक बज गया और मेरे को एक घंटे में पहुँचना है 16-17 किलोमीटर। ये रही अपनी साइकिल, आगे बैठाऊंगा इसको और चलेंगे। शर्ट पहन लेता हूँ ब्लैक ब्लैक। आज मेरी वाइफ की ख्वाहिश है कि हमारा हस्बैंड यानी कि हमारे राजा जी जून श्रीवास्तव ब्लैक टी शर्ट पहने, वो ब्लैक टी शर्ट नहीं सॉरी ब्लैक शर्ट। तो दोस्तों मस्त ब्लैक पहन लिया, देखो कैसा लग रहा हूँ, देखो कैसा लग रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक लोवर और ब्लैक शर्ट, ये मेरी वाइफ की पसंद थी। और अब जानते हैं वाइफ को कैसा लगा, कैसा हूँ? बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया सुपर। लड़कियां वन किया दो चार पीछे पड़ गई, दो मेरे चलो जी दोस्तों क्या आप रेडी हो? हाँ बहुत देर से। पिछली बार 16 तारीख को पेपर था तो मैं ना मतलब जल्दी जल्दी गया था तो 68 मिनट लगे थे, मतलब 70 मिनट लगा लो लगे थे मेरे को पहुंचने में, और अभी मेरे पास है 60 मिनट। भगवान कोई ना पंचर वंचर ना हो जाए वरना इसका पेपर छूट जाएगा आज। चलो अपने से जल्दी है, मेरी कोशिश रहेगी पहुँचा दूँ, ठीक है पहुँच जाएंगे ना। तो चलो जी दोस्तों साइकिल नीचे उतारते हैं और निकलते हैं सीधा पेपर दिलवाने। ले फोन पकड़, मम्मी भी रास्ते मिल गई, बाय बाय। पैर तो छू नहीं सकते क्योंकि साइकिल पे हुआ है, ठीक बैठ, आगे बैठना, आगे बैठ जा, बार बार क्यों उतरे हो, सीधी जाइयो ना, तो का होयो ए भैया, तो है कोई चल बैठ। जाने वाले हैं, ऐसा पुरानी फिल्मों में होता था साइकिल पे ले जाते थे लोग अपनी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड को, पर बाहर के लोग तो यही सोचेंगे गर्लफ्रेंड को ले जा रहे हैं। ठीक है मम्मी बाय बाय।
तो दोस्तों चलाते चलाते धूप आ गई और देखो मैंने अपनी बहन को हैंडल पकड़ा रखा है और मैं चला रहा हूँ। छोड़िए, हाँ भाई गर्मी हो गई यार, घर से निकला था ना तो मतलब मौसम ठीक था, अब तो भाई मतलब धूप हो गई तगड़ी और एक के बाद हर एक दूसरा बंदा हमको ही देख रहा है, बोल रहा है ये तो बहुत दिनों बाद देखा, ऐसा होता नहीं है ना। ज़्यादातर बहने या तो अपने भाई के साथ जाती है बाइक पे, कोई साइकिल से नहीं जाता। और रोड बढ़िया है इसलिए पकड़ा रखा है इसको हैंडल, बाइक लेनी पड़ेगी यार। ओह अपनी बाइक ले आऊँगा गाँव से, यहाँ पे आंटी वंटी अंकल अंकल बाइक वाले कार वाले सब लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये सही है भाई। भाई आधा घंटा हो गया, अब मैं रुका हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए, यार पहुँचा दूँगा भाई, बहुत मेहनत लग रही है। पिला पानी, ये तो खाली बैठ के आ रही है, मैं कब धुल गया पर इसका भी। हाँ 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 सुकून। ओ पता मेरे मन में क्या आ रहा है, काश 2000 की गड्डी पा जाए भाई, मतलब मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, एकदम घूमने जाऊंगा। पा सके थे क्या पता पा जाए, अगर पा गए ना तो भाई मतलब बहुत ही लक्की होगा, वैसे नहीं पाएंगे। हाँ ऊपर से ये लड़कियों वाला बैग भी इसने मेरे को ही दे दिया भाई, सब कुछ मैं ही लाद के जा रहा हूँ भाई, साइकिल भी मैं चला रहा हूँ, लाद के भी मैं जा रहा हूँ, एकदम रानी की तरह आगे बैठ के जा रही है। चलो भाई निकलते हैं, मुँह धो लिया मैंने, यहाँ पे ना मतलब रोड पे ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो इसका तो हो गया भाई फ्री में मेकअप, जो मेकअप था उसके ऊपर भी मेकअप हो गया। मट्टी लग रही है ना क्योंकि धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, और भाई थक तो गया हूँ। और मौसम कभी ना धूप वाला हो रहा है और कभी मतलब बढ़िया हो रहा है, फिर कभी धूप वाला कभी अच्छा हो रहा है, वो ऐसे चल रहा है। और गर्मी बहुत है भाई, ऊपर से भाई ब्लैक शर्ट पहन के आ गया ना, और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हर कोई आता जाता हम ही को देख रहा है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब हर कोई आता जाता यही सोच रहा होगा कि क्या ड्रामा कर रहे हैं दोनों लोग। तो दोस्तों मैंने पहुंचा दिया है अपनी बहन को स्कूल पूरे 45 मिनट में, देख ले स्पीड देख रहे हो अपनी, इस गर्मी में भी 45 मिनट में पहुंचा दिया, 16-17 किलोमीटर, छोटी मोटी बात है क्या, पहुंचा दिया ना। और भाई मेरी शर्ट ना पूरी भीग गई पीछे से, निकाल दिखाई गर्मी के मारे। अरे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मेरा कर देना मैं तुम्हारा कर दूंगा। अरे भाई 1.62 मिलियन मेरे चाचा का है, मैक्स टर्न है, भाई बोल रहे हैं मेरी वीडियो बनाओ, भाई कुछ कहना चाहते हैं अपनी मन की बात। भैया लद्दाख से ट्रैवल कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल अच्छा है। ऐसे बोल रहे हो ना तो लोगों को ऐसा लगेगा पैसे दे के बुलवाया है, कुछ और बोलो, ये चैनल अच्छा है। चलो भाई क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ हर्ष और ये एक्सेस चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब कर दो। हाय भाई अच्छे से करियो पेपर, ठीक है बैग मेरे को छोड़ के जा रही है। तो वही पुराने वाले पेड़ के पास हमने लगा दी अपनी साइकिल और गर्मी में हालत ख़राब हो गई भाई, पूरी पसीना पसीना आ रहा है, अब आधे घंटे तक तो ये पसीना सूखने में लगेगा भाई। और बस भाई इस पेड़ के नीचे ही, पेड़ का ही सहारा है अपना, अपनी गर्मी भाई ऐसे शांत करनी पड़ रही है अब। हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा हूँ मैं, खाली है ना रोड इसीलिए चला रहा हूँ। हाँ तो मैं वहाँ बोर हो गया था बैठे बैठे, मैं बोला चलो कहीं घूम के आते हैं, हाथ छोड़ के चला रहा हूँ भाई क्योंकि रोड खाली है इसलिए। हाँ तो बोर हो गया था तो मैं सोचा चलो घूम के आते, एक पार्क है यहाँ पे पास में तो पार्क में घूम के आऊँगा, और वहाँ छाया भी है और ज़्यादा धूप भी नहीं गई है, वहीं घूम के आएंगे। और जरूर क्या छाया है यहाँ पे भी, कुछ खाने पीने का मिल जाए यार तो मज़े आ जाए, भूख भी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, देखते हैं कुछ मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैंने ले ली है पार्टी करने के लिए एक स्टिंग ठंडा और एक नमकीन, अब इसी को ले जाऊंगा पार्क में, मस्त एकदम आराम से पार्टी करेंगे और बैठेंगे सुनसान एकदम अकेले में, मेरे को अकेले रहना वैसे ही पसंद है, मज़ा आएगा एकदम, और पार्टी करेंगे अकेले अकेले, यस। और आपसे करेंगे दिल की बातें, पार्क बहुत बढ़िया है भाई, देखो क्या ही सुंदर है, नहीं मस्त पार्क है, इधर धूप है, मैं चल रहा हूँ पटरी पे और देख रहा हूँ कहाँ पे बैठूँ, एक मस्त सी जगह पे बैठ के अपना पार्टी करेंगे, कहाँ बैठे चलो घूम के आते, पहले देखते हैं जो जगह बढ़िया होगी वहीं बैठेंगे, इससे डर लग रहा है यार ये कहीं सींग ना मार दे मेरे को, हे भगवान बचा ले चल बच गया। तो भाई मेरे को ये जगह अच्छी लगी है देखो, है ना यहीं पर पार्टी करेंगे, एकदम पेड़ है
और भाई गांव की याद आ रही है मेरे को यहाँ पे भाई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गया। आराम से बैठेंगे, इतनी सस्ती वाली पार्टी, 30 रुपये का सामान है मात्र, 30 रुपये वाली पार्टी। जगह चेंज करती है, यहाँ यहाँ पत्थर भी हैं, इसी पर बैठ के अपनी पार्टी करेंगे। और ये लगी अपनी साइकिल, अपनी रानी, और करते हैं पार्टी। गर्मी बहुत है यार, मतलब यहाँ पे छाया है, हवा नहीं चल रही, पर बिल्कुल भी देखो बिल्कुल भी पत्ता हिलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, पर जो भी है सही है। आहा, सुकून। कई लोग भाई दूर से देख के ये ना सोचे पार्क के गार्ड वगैरह चौकीदार वगैरह कि दारू वारू पीने तो नहीं आया कहीं, मतलब ऐसा लग रहा था नमकीन उमकीन थी ना पन्नी में था ना, तो ऐसा दूर से देखने में क्या पता उनको लगा हो दारू वारू पीने आया। दारू नहीं पीने आया भाई, स्टिंग पी रहा हूँ, आके देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये भाई स्टिंग इतनी आती है क्या? पहले तो मेरे को लग रहा फूल आती थी, अब देखना कितनी है, बहुत कम है यार। भाई यहाँ से खड़ा हो गया यार, ये सांड ना भाई उठ के आया एकदम से, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मार मूर ना दे, मैं खड़ा हो गया, डर लग रहा है मेरे को यार। यहाँ पे कोई मैं मतलब खा पी रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, एकदम से सांड आया, चक्कर उक्कर मारी तो डर लग रहा है यार। चलो भाई ये सांड भैया बैठ गए, मैं यहाँ पे पार्टी कर सकता हूँ बिना किसी डर झिझक के, मज़ा आ रहा है। और इस पार्क में ना कोई नहीं है, सुनसान है, मतलब एक दोस्त वो है चौकीदार लोग बस, बाकी और कोई नहीं है, अच्छा लग रहा है भाई। मैं इतनी देर से इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और मेरी बहन का पेपर हो गया, वो बाहर खड़ी है स्कूल के, और मैं भाई बातें कर रहा हूँ लाइव पे, अब जा रहा हूँ भाई, पार्टी वार्टी सब कुछ हो गई, अब जा रहा हूँ, पेपर हो गया, बहुत जल्दी हो गया यार आज पेपर, 4 भी नहीं बचवाए। चलो जी स्टिंग की पार्टी अपनी ख़त्म हुई, और चलते हैं अपनी बहन को लेने। तो फाइनली ये पेपर देके आ गई है, पेंटिंग का पेपर था, कैसा क्या पेपर? बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे का था, जल्दी आ गई 4 बजे, और मैं पार्क में बैठ के लाइव इंस्टाग्राम लाइव पे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, और ये किसी अनजान के फ़ोन से मेरे को फ़ोन करे जा रही है, फ़ोन पे फ़ोन, और मैं बार बार काटे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं था ना इसका फ़ोन है। तो चलो जी अब निकलते हैं, थोड़ी देर पार्क में बैठे, कुछ है? मोमोज इधर कहाँ मोमोज मिल रहे, पैसा है? ओहो फुल पैसा वैसा। और भाई जब मैं ये आ रही थी ना तो मैंने पूछा पैसे हैं, तो मना कर रही थी, अब इसके पास पैसे हैं। सही है, मैं तो सोच रहा था मैं ही खर्चा करके इसको कुछ खिला दूं, पर इसके पास पैसे हैं, अब इसी का खर्चा करवाएंगे। ये तो काजल को भी इस सुंदर सी जगह पे लेके आ गया, कैसी लग रही? ठीक है, सुंदर सुंदर ना है, पर मतलब खाली खाली है ना एकदम। हाँ, खाली। बढ़िया। और यहाँ पे एक आधी रील शूट करेंगे, फिर हम मोलेंगे घर की तरफ, है ना। एक भी रील नहीं बनाई, बहुत बुरी शक्ल लग रही थी मेरी रील में, तो मैं अब चल दिया हूँ इस पार्क को बाय बाय बोल के घर की तरफ, चला जा। और भाई जो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी ना इस पार्क की, नसेड़ी गंजेड़ी एक भी नहीं दिखे, ना ज़्यादा लोग हैं। और दोस्तों अब हम निकल दिए घर की तरफ इस खतरनाक गर्मी वाली धूप में, तो काजल का मेकअप तो हटेगा ही, ऊपर से काजल काली भी हो जाएगी। भाई चलते चलते लग गई भूख, और हमने लगवाई है कचौड़ी, ये कचौड़ी ज़रूर खाता हूँ मैं जब भी जाता हूँ घूमने के बाद। भाई मैं इतना जिद्दी हूँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना, सारी हाथ पे गिर गई और पैर पे भी गिर गई, देखो। पर ब्लॉग बनना चाहिए, ब्लॉग ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो, देख हाथ पे गिर गई हमारे ब्लॉग बनाने के चक्कर में। गर्म है, ले ले तेरी, यहीं पर बैठ के खा रहे हैं, मस्त खाते हैं फिर निकलते हैं, 20 रुपये की आती है मात्र, 4 मट्ठी, और मज़ा आ जाता है। तो वो रोड वालों पे खाना चाहिए भाई, इससे भाई उनको भी रोज़गार मिलेगा और मेरे को अच्छा भी लगता है। मज़ा नहीं आया यार खा के, पता नहीं कैसी बनी है, अजीब सी लग रही है, जबरदस्ती में खा रहे हैं दोनों क्योंकि पैसे लगे हैं, और वैसे भी मैं फेंकता नहीं हूँ, अन्न बर्बाद नहीं करता, पर अच्छा नहीं लग रहा। भाई सलाम है यार तुम्हारे जुगाड़ को यार, मस्त लगा, ये बंदे हैं यार। सही है सही है, किराया बचाओ भाई, हमारे गांव के भाई तीनों पीछे लास्ट वाले। तुमने वीडियो बनाने के लिए बोल दिया, बोल बना दी, कुछ बोलो तो सही, बोलना होता है वीडियो में। वीडियो बना दी तो वहां बैठ गया। हेलो, यही लड़की है जो पायल नाम की है। तो भाई माल लेके जा रहे हैं ऊपर जो मेरी मम्मी बनाती है, दोनों भाई बहन। चलो नीचे नीचे नीचे, चल 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 चल। काजल इतना भारी बोरा अकेले उठा सकती है? चल उठा।
चप्पल तो पहन ले। चलो भाई चप्पल लेके जानी पड़ेगी इसकी। ओ भाई ले तो भाई, ये देखा कौन कोई हल्के में नहीं लेगा काजल को। शरीर ही पतला है, ताकत नहीं है, ताकत कम नहीं है। ये काजल पहलवान आ गई हैं। क्यों फोन कर रही हो? तुम आवाज आ रही? बाकी तुम वीडियो देख रही, मम्मी ब्लॉग देख रही है, आ रही आवाज? और अपनी बहन को कैसे भूल सकते हैं? ये देखो, ये देखो, ओ गेट लगा दिया, अब उधर से पहुंच जाएंगे। ये गेट कैसे लगाओगी है? चल आज ब्लॉग में कुछ बोल। कुछ भी भाई, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता। इसको जब तक परेशान ना कर लूँ ना, रुलाना मम्मी तो मन नहीं लगता। पसीना बोझ दिया इसके नाक का। देख 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 कैसे ड्रामेबाज, बदू बदू करती रहती है। ठंडक ले रहा हूँ यार, गर्मी बहुत है यार। एक तो और ऊपर से भाई 16-17 किलोमीटर बहुत हो जाता है। अब कल का पेपर मम्मी दिलाने जाएगी। मस्त दोस्तों, दोबारा नहा लिया हूँ मैं, शाम का टाइम हो गया। ये देखो बाल मजदूरी कराई जा रही है कोमल से, मम्मी बाल मजदूरी करा रही हैं। और कोमल के ऊपर एक प्रैंक कर रहा था, वो वाला प्रैंक फेल हो गया, कभी और ट्राई करेंगे। और यहाँ बन रही है हमारे लिए माइक्रोनी, और देखो कैसे बनाई जा रही है। हाइट कम होने का फायदा, ऊपर चढ़ के मैक्रोनी बनाओ। मेरी हाइट कम है और अच्छी बनती है इसके हाथ से, तो इसलिए बन रही है। और इसको खा के सीधा जाऊंगा काम पे, ना तो लिया ही हूँ मैं। और नज़ारा देखो कैसा हो रहा है, क्या कूलर चला के मस्त काम हो रहा है अपना। और ये जिसको नहीं पता क्या चीज़ होता है, देखो सैंडल के ऊपर का होता है ये, नीचे का ना जो होता है ना वो मतलब प्लास्टिक का उभार लगने जाता है, और हमारे घर पे दाग कटने के लिए आते हैं। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको भी मस्त हवा लग रही है कूलर। देखो आज आई है हमारी मम्मी की सहेली, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड श्री लाली जी, कोमल। अब कोमल को बाय बाय बोल के और मम्मी को बाय बाय बोल के निकलते हैं। कोमल एक बार स्माइल दिखाइए अपनी प्यारी। देख आज ना एक वो कर रहे, क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट। देख आज से तू मेरे से उल्टा नहीं बोलेगी और ना हम दो से उल्टा बोलेंगे, प्यार मोहब्बत नहीं दोनों लोग, ठीक है? देख हमारी ससुराल वाले हमें देखते हैं और लोग देखते हैं, तो लोग क्या सोचे तुम्हें तो ऐसे। अब देख हजरी ना ऐसे इसके बात करो बराबर, ठीक है? हैं पक्का? ऐसे ही हंस के ठीक चले, हम काम पे जाए। फैमिली को छोड़ के मन ही नहीं करता जाने का है। हाँ चल गाना सुनिए। फाइनली अब कोमल को बोल के बाय, जा रहा हूँ गाँव, अरे सॉरी जा रहा हूँ फैक्ट्री। और मैं पता कभी कभी क्या सोचता हूँ, बहन की शादी हो जाएगी तो मेरा मन कैसे लगा करेगा, तो हमने ठाना है इसकी शादी ही नहीं करेंगे, हम खुद पालेंगे उसको, है ना? सही है ना? आप हंस के दिखाना, इनकी स्माइल बहुत बढ़िया है मम्मी की सहेली की। चल ब्लूटूथ मांगने आई बड़ी, चल चलो चलो फिर हम क्या फिर हम कूलर बंद कर देना, चलो बाय बाय। मैं भी जा रहा हूँ सोने।